अपने भाई के द्वारा की गई मारपीट को लेकर यह क्या कह गए बाबा बागेश्वर? भक्तों में मचा हंगामा। क्या अपने भाई को जेल से निकालने के लिए बाबा ने अफसरों को लगाया था फोन? जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम के द्वारा की गई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब इसे लेकर लोग बाबा को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोगों ने बाबा पर भी आरोप लगाए हैं कि वो अपने भाई को जेल से बाहर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग तो उन्हें ढोंगी और पाखंडी भी बोलने लगे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपने जवाब से सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। असल में बागेश्वर बाबा का छोटा भाई शालिग्राम अपनी हरकतों और मारपीट के कारण आए दिन सुर्खियों में रहता है। शादी समारोह में पिस्टल लहराने, टोल बूथ कर्मचारियों से मारपीट करने के कारण वह पहले भी विवादों में घिर चुका है। इस बार उसने छतरपुर के गड़ा गांव में एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। जल्द ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग बाबा बागेश्वर को भी लपेटे में लेने लगे। इस घटना पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भाई का साथ देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने भाई के इस कृत्य से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं कानून के साथ हूँ, अपने भाई के साथ नहीं। उन्होंने आगे कहा कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। हमारा मन क्षुब्ध भी है, हम पीड़ा में भी हैं। इस मामले को लेकर मैं यही कहूंगा कि भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं, अपने भाई के साथ नहीं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए। जिसने जो किया है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। बाबा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से वो अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते। उन्होंने सनातन धर्म को फैलाने का जो संकल्प लिया है उसके मार्ग में उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर वो इन्हीं विवादों में उलझे रहेंगे तो सनातन धर्म के प्रति अपना फर्ज कैसे पूरा करेंगे? बाबा के इस बयान ने उनके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उनके आलोचक जो उन पर आरोप लगा रहे थे कि बाबा अपने भाई को बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं, बाबा ने साफ कर दिया है कि वो कानून के साथ है न कि अपने भाई के। असल में लोगों को यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कैसे एक 27 साल का नौजवान पूरे देश के सनातन धर्म के अनुयायियों का पथ प्रदर्शक बना हुआ है, कैसे पूरा देश उनके एक इशारे पर उनके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए लोग बार बार उनके खिलाफ साजिश रचते हैं लेकिन हर बार वो नाकाम ही रहते हैं और एक बार फिर उन्हें बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है और उनके बयान से अब तो कानून की नजर में भी उनकी इज्जत कई गुना हो गई है, यानी कि इसे कहते हैं नहले पे दहला। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी बिना सच जाने किसी भी पर इस तरह के आरोप न लगाएं। हमारे देश में वैसे भी अच्छे और सच्चे धर्म गुरुओं की कमी है, इसलिए बाबा बागेश्वर की कद्र करें। बाबा का आशीर्वाद आपको कई मुसीबतों से बचा लेगा। धन्यवाद।